हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं यम क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना। लास्ट वीडियो हमने यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखा था, इस वीडियो में हम यम सर्वर का क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो ये हमारा यम सर्वर है, तो सबसे पहले यम सर्वर का आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए टर्मिनल ओपन कीजिए और उसमें आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है इफ कॉन्फ़िग। अब यहां पर देखिए यम सर्वर का आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा है 172.18.209.9। उसी तरह यम क्लाइंट का आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लीजिए, टर्मिनल ओपन कीजिए और उसमें आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है इफ कॉन्फ़िग। तो देखिए यहां पर उसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है 172.18.209.10। अब इसको चेक कर लीजिए कि यह सर्वर से कनेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है 17 पिंग स्पेस सर्वयम सर्वर का आईपी एड्रेस। तो देखिए सर्वर से कनेक्ट है, रिप्लाई आ रहा है, उसके बाद इसको स्टॉप कर लीजिए और क्लियर कर दीजिए। यम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में हमने एफटीपी सर्वर का यूज किया था कि हम यम क्लाइंट पर यम सर्वर से पैकेज एफटीपी के थ्रू डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आप एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं, या फिर एफटीपी यम सर्वर पर जो हमने डायरेक्टरी शेयर की थी एफटीपी सर्वर के थ्रू, आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं यम क्लाइंट पर। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यम क्लाइंट पर एफटीपी डायरेक्टरी हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर फेवरेट टैब में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इससे मोजिला फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहां पर आपको एड्रेस बार में यूआरएल लिखना ftp://yum-server-ka-ip-address। तो देखिए यहां पर ये एरर शो कर रहा है कि आप एफटीपी सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं हैं। यहां पे एरर शो कर रहा है फायरफॉक्स कांट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू द सर्वर एट 172.18.209.9, यानी इस सर्वर से फायरफॉक्स कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन क्या है, जैसे हम कनेक्टिविटी तो चेक कर चुके हैं कि यम सर्वर और यम क्लाइंट दोनों आपस में कनेक्ट हैं, पिंग करके हम चेक कर चुके हैं। अब ये कनेक्ट तो है लेकिन यम क्लाइंट एफटीपी डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन है क्योंकि आपने यम सर्वर में फायरवॉल में एफटीपी को अलाउ नहीं किया है, इसलिए ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यम सर्वर पर जाना है और यहां पर एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सनड्रीम पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फायरवॉल, यहां पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गया है। अब यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है ये रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपको एफटीपी अलाउ कर देना है और उसके बाद में परमानेंट पर क्लिक करता हूं और उसके बाद परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन में भी एफटीपी को अलाउ कर देता हूं और उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप इसको रीलोड कीजिए तो देखिए अब वो एफटीपी का जो डायरेक्टरी था वो अब ओपन हो गया। देखिए जो हमने यम सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया था, इस पब डायरेक्टरी को ओपन कीजिए, फिर माय सॉल्यूशंस को ओपन कीजिए। अब यम सर्वर के जो पैकेज थे वो रिपोजिटरी जो हमने क्रिएट की थी वो इसके अंदर है। तो अब इस पाथ को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद फायरफॉक्स को क्लोज कर दीजिए, उसका टर्मिनल ओपन कीजिए और यहां पर हमें यम सर्वर यम क्लाइंट की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम कहां पे क्रिएट करेंगे, /etc/yum.repos.d के अंदर। तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी में मूव कीजिए /etc/yum.repos.d और सबसे पहले यहां पर चेक कर लीजिए कि कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो अभी कोई भी फाइल नहीं है, हम चेक कर पा रहे हैं यहां पर ls-l कमांड की सहायता से। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे vim कमांड की सहायता से server.repo।
आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पीछे एक्सटेंशन डॉट रेपो होना चाहिए। ये हमने यम सर्वर जब कॉन्फिगर किया था तब भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। अब एंटर की प्रेस कीजिए। अब इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस कीजिए या कीबोर्ड पर इंसर्ट की प्रेस कीजिए। देखिए हम इंसर्ट मोड में चले गए और सबसे पहले आपको लिखना है आईडी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वर और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। तो नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं असाइन कर रहा हूं यम क्लाइंट और उसके बाद बेच यूआरएल और उसके बाद वो जो हमने पाथ कॉपी किया था वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जीपीजी चेक इज इक्वल टू 0 और इनेबल्ड बराबर 1। उसके बाद इस फाइल को सेव कर लीजिए, एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। फाइल सेव होने के बाद में अब आपको चेक करना है कि यम क्लाइंट यम सर्वर से पैकेज डाउनलोड कर पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे, जैसे मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है डीएससीपी, तो इसके लिए मैं कमांड लिखूंगा यम इंस्टॉल डीएससीपी स्टार एंटर। अब ये यम सर्वर से पैकेज डाउनलोड कर रहा है। पहले इसने देखिए यहां पर एक ऑप्शन एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, फिनिश डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन, यानी इसने जो डिपेंडेंसी थी डीएचपी पैकेज की वो सारे रिजोल्व कर ली है पहले। अब ये यम सर्वर से डीएचपी का पैकेज डाउनलोड कर रहा है। देखिए अब ये डिस्प्ले कर रहा है कि इसको डीएचपी का एक पैकेज मिला है। ये बता रहा है कि टोटल जो साइज है डाउनलोड साइज वो है 506K और इंस्टॉलेशन साइज है 1.4M। अभी पूछ रहा है दिस ओके, क्या ये सही है? तो ये सही है तो आपको वाई प्रेस करना है, अदरवाइज एन प्रेस करना है। तो वाई प्रेस करके मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूं ताकि ये डीएचपी पैकेज हमारे पीसी के अंदर स्टोर हो जाए। तो एंटर कीजिए। देखिए डीएचपी पैकेज अब हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। तो डीएचपी पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए मैं कमांड लिखूंगा, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। और ये पैकेज चेक करने के लिए हम कमांड लिखेंगे आरपीएम हाइपन क्यू ए ग्रेप हाइपन आई और डीएचपी। तो देखिए डीएचपी का पैकेज यहां पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहां पर देखिए कि अभी कौन सा पैकेज इंस्टॉल हुआ था, 4.2.5 ये वाला पैकेज अभी इंस्टॉल हुआ था, ये वाला। तो ये यहां पर बता रहा है। तो इस तरह आप यम क्लाइंट कॉन्फिगर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।